नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बाइलेक्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो बाइलेक्स टैबलेट होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज के बारे में तो 25 ग्राम के साइज में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में तो 185 रुपए इस पर एमआरपी आती है और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है बैक्स एंड जिस के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बाइलेक्स टैबलेट होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को ठीक करने की। दोस्तों अगर किसी को जो कब्ज है वो बरसों पुरानी क्यों ना हो, कितने भी सालों पुरानी अगर आपको कब्ज है तो उसको ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को 2 से 3 दिन में एक बार लैट्रिन जाना पड़ता है और लैट्रिन भी बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर आती है, बहुत ज़्यादा हार्ड आती है, बहुत ज़्यादा टाइट अगर किसी की लैट्रिन आती है तो उसको ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो बाइलेक्स टैबलेट होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन की और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो अगर बॉडी में सिम्टम्स मिल रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, जैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर किसी को पेट में दर्द की शिकायत रहती हो, पेट में गैस की शिकायत रहती हो, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से किसी को पेट में इरिटेशन सा रहता हो, पेट चढ़ा चढ़ा सा रहता हो, पेट में हैवीनेस अगर किसी के रहती है तो बाइलेक्स टैबलेट उसको भी ठीक करने का काम करती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को एनस रीजन में ईचिंग की परेशानी है, जो लैटिन का रास्ता होता है वहाँ खुजली रहने की परेशानी है तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो आगे चलकर उसको बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं जिनमें जो कॉमन होती है जैसे बवासीर या एनल फिशुला जिसको भगंदर कहते हैं, फिशर भी एक बीमारी होती है लैटिन के रास्ते की। तो दोस्तों ये जो तीनों बीमारियां अधिकतर उन लोगों में देखने को मिलती है जिनसे जिनमें पहले कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रही हो। अगर आप इसका कॉन्स्टिपेशन का सही समय पर इलाज नहीं कराते हैं तो आगे चलकर आपको बवासीर या भगंदर या फिशर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज करा लेते हैं तो आप इन बीमारियों के होने से बचा जा सकता है, तो इसलिए आप समय पर इस कॉन्स्टिपेशन का इलाज करा लें। अगर आप बाइलेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत है वो बड़ी आसानी के साथ ठीक हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों जो बाइलेक्स टैबलेट होती है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ इसमें फेनोल पैथोलिन भी होता है। दोस्तों जो फेनोल पैथोलिन होता है इसका जो काम होता है अगर किसी की आंतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आंतों की क्रिया विधि को ठीक करने का होता है, साथ ही गतिशीलता बनाने का काम करती है। दोस्तों जो इसमें अगली मेडिसिन होती है सेना। दोस्तों होम्योपैथी में सेना कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, लैटिन बहुत ज़्यादा टाइट आती है, हार्ड आती है, या बहुत लैटिन को लाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो उसको ठीक करने का काम सेना मेडिसिन करती है। दोस्तों जिसमें अगली और लास्ट मेडिसिन होती है सल्फर। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की, साथ ही अगर किसी को लैटिन के रास्ते में खुजली रहने की परेशानी है या बवासीर की अगर किसी को दिक्कत है उसमें जो सल्फर मेडिसिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज एडल्ट में तो रात में जब आप सोने जा रहे हो तब इसकी 2 गोली का आपको इसका इस्तेमाल करना है, फिर अगले दिन फिर 2 गोली का इस्तेमाल करना है। 24 घंटे में आपको इसकी केवल 2 गोलियां लेनी है, मतलब हर रात में जब भी आप सोने जाएं तो इसकी 2 गोलियों का इस्तेमाल करना है। अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में तो दोस्तों चिल्ड्रन में भी आपको 1 गोली सोते समय बच्चों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।